के लिए कोई वर तलाश हो। महाराज तुम्हारी नजर में कोई वर हो तो हमें बताओ। महाराज हाँ हमारी नजर में वर है। बताओ द्वारकाधीश दुर्योधन कैसे रहेंगे? दुर्योधन वैसे सही है, राजा है, चारों तरफ उसकी चर्चाएं हैं, लेकिन एक घमंडी है। घमंडी? हाँ तो महाराज शादी हो नहीं सकती उसके साथ? नहीं, ऐसे व्यक्तियों से हम अपना रिश्ता नहीं रख सकते। तो महाराज अपनी लली कितनी वर्ष की है? हमारी बिटिया 20-21 साल की होंगी। 20-21? हाँ। तो महाराज बराते हमारी सीधे में बताओ दो है। दो कौन से? 10-10 साल के। क्या पागल है मंत्री? क्यों आपकी बिटिया 20 साल की है तो मैं 10-10 साल की दूरी तैयार करता था। अरे मूर्ख शादी करनी है उन्हें खिलाने के लिए नहीं थोड़ी हम बता रहे। तो महाराज हाँ हमारी सीधवी पर है आप भी बताओ कुछ तुम्हारी नजर में कोई बर हो तो बताओ। भैया सुनो पिताजी बोलो। अच्छा पापा का बहन जा रहे ताजू भैया सुनो। हाँ हमारी नजर में है एक बर। कौन? पिता हम तुम्हारे सबसे छोटे पुत्र हैं और जब बोलते हैं तब अच्छा ही बोलते हैं। बोलो बोलो। और पिता के सामने पुत्र को अच्छा ही बोलना चाहिए, इन गधों की तरह नहीं जो रह रहे हैं। बोलो तो छोटा पुत्र अच्छी बात बोले। हमारी बहन के लिए हमने बर चुना है द्वारकाधीश कन्हैया जी। कैसे क्या बात, आपने हमारे दिल की बात को छीन लिया। एक बार हमारी बात पर जोरदार तालियां होनी चाहिए। कन्हैया के लिए हमारा भी यही मत था कि रुक्मणी की शादी कन्हैया के साथ हो, वो बहुत अच्छी बात रहेगी। पिताजी बोलो जे बताइए, बड़े के आगे छोटे बोलने का अधिकार होता है? अरे रुकमपाल तो तुम क्यों इतने क्रोधित हो रहे हो बताओ ना। पिताजी मैं इसलिए क्रोधित हो रहा हूँ जो रुक्मणी है ना। हाँ रुक्मणी शादी होगी तो मैं बताऊंगा वर ना। बताओ बैलों में कुआरी मर जाएगी। भैया भैया रुकमपाल आप तो खामे का ही इतने क्रोध हो रहे। अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का है तो बताओ। हाँ हमारी नजर में है। बताओ जो चंदेली नरेश है ना। हाँ जो सिसपाल जो 18 साला उसी के साथ रुक्मणी की शादी होगी। क्या? हाँ क्या पागल हो? पागल नहीं है। ए रुकमपाल। हाँ पिताजी मुझे लगता है आज तू मेरा बेटा नहीं होता तो तेरी जीव निकाल के कुत्तों को डाल देता समझता। पिताजी आज मेरे पिताजी हो चुके हो। अगर और मेरा कोई भाई बंद होता तो समाशन क्या करके सारी जनता कहा देता। पापा जी बहुत बोल रहा हूँ दोनों जने जाओ देखते तो साथ 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 आज रुकम पाली कह दिया खुले शब्दों में अरे बूढ़े बाप अगर रुक्मणी की शादी होगी तो मेरे साले शिशुपाल के साथ अंतयम खून की नदियां बह जाएगी। इतना कहकर के पैर भटकता हुआ चला गया। अब तो भीष्म को सर पे हाथ रख के कहने लगी परमात्मा ऐसी संतान मुझे देता तू भी नहीं। मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचाती मैं यही समझता मेरी कोई संतान ही नहीं। अब मैं क्या करूं? जिस किसी की माता बहना की अगर 100 मिस्टर गिर गई हो वो मंच पे से आके ले जाए। आज इधर में रुक्मणी को पता चला है कि उनका भैया उनकी रुकावट बनना है। रुक्मणी महलों में रो रही है। रुक्मपाल ने कहा है ए रुक्मणी क्यों रो रही हो? भैया हाँ जोश जोश
रुक्मिणी ने कहा भैया तुम हमें रुला रहे हो, तुम हमारे रास्ते में बाधा बन रही हो, तुम्हें ये नहीं पता है। बोला